अच्छा जी, पुरजोर बैनुल इक्वामी फरमाइश पे मैं चंद अपना खबरों पे तबसरा करने लगा हूँ जी। बैनुल इक्वामी क्या है जी? पहली खबर है, राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जगाना और उठाना हमारी जिम्मेदारी है। शाबाश राजा साहब, को सुता हुए मंजी ते ते उन्हें जगाई दे ते जे मंजी ही वेलिया होन ते ओदे च ते सिर्फ खटमल चाड़े जा सकदे। हयूर अब दोबारा पहले मंजिया भरो, कारकुन दोबारा बनाए, फिर अगर वो सो जाएंगे तो फिर उनको जगाना और उठाना। अच्छा जी, उन्होंने मजीद कहा है कि शाह महमूद और राजा रियाज का मुस्तकिल कोई सियासी एड्रेस नहीं। ये बात राजा साहब ने बड़ी आला की है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का और राजा रियाज साहब का कोई मुस्तकिल सियासी एड्रेस नहीं है। हाय हाय, मुझे याद आ गया, हमारी दो आर्टिस्ट हुआ करती थी जी जी, उनको अक्सर लोग पूछा करते थे कि आजकल की एड्रेस है। क्योंकि वो बेचारिया ना जी, जहां भी मकान लेती थी ना जी जी जी, वो महीने दो बाद वो मकान खाली करा लेते थे। असल में उनके वालिद साहब बारिश आदमी थे, बड़े नेक बंदे, मत्थे पे मराब शराब तस्बी पकड़ी होती थी। जब मकान लेना होता था ना तो वो अपने अब्बा जी को भेजते थे, तो मकान फौरन मिल जाता था कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, फौरन दो मकान। जब महीने डेढ़ बाद मल्ले में पता चलता था कि इनकी बच्चियां तो ड्रामों में काम करती हैं, फिर मकान खाली भी फौरन करवाते। इसी तरह शाह जी का और राजा साहब का भी जब कुछ देर बाद पता चलता है ना तो फिर इनको मकान बदलना पड़ता। अच्छा जी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं ऑपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है और ना ही हिकमत अमली, ऑपोजिशन वाले पहले भी नाकाम रहे, आइंदा भी कामयाब नहीं होंगे। बुज़दार साहब है, 3 साल हो गए ने, उन सानू पक्का याद हो गया। ईमान नाल इन्ना तेज तेही दूनी दा पौड़ा नहीं पढ़ते जिन्ना तेज आपका ये बयान पढ़ते हैं। इसलिए हयूर अब अपने काम की तरफ तवज्जो दे। पूरे लाहौर के बड़े बड़े अस्पतालों में MSc नहीं है, कई कॉलेज यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल ही नहीं है। अपनी अपनी ड्यूटियां लंबाओ, हुण छोड़ दो वो ताने देने, नी तू है, नी तू है, नी मैं भी तेनु जाननी है, तू भी ते है, ते ओ ते है, ते अंज। मुड़ के मल्ले वाले आके कहते थे चलो कार आ जाओ, तुहाडे खावंद आ गए ने कार। ले जी, डॉलर 173 रुपए तक पहुंच गया, पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। अल्लाह रहमत करे, अल्लाह पाक खैर करे, डॉलर ने ते इंज लमिया पाया है साडे रुपये नु, जिवे जारा भलवान ने सी अपने हरीफ नु लमिया पाया और उत्ते बह जांदा सी। और थल्ले हरीफ कहंदा सी एक बारी उठ पाओ, मैं अगो तो नहीं लड़ांगा। उसी तरह आजकल हमारा रुपया कह रहे हैं डॉलर को कि एक करी में नोट लैंड दे, मेरा साहब बंद हो चले ये में नोट लैंड। और जहां तक रह गई पेट्रोल की बात, मुझे तो लगता है कि हमें साल को हो रहे हुकूमत चली ना, तो पाज नैद ने अपनी मर्सिडीज नु रस्सी बननी होनी है तो पैदल आ रहे हैं। पैदल क्यों यार, आगे मैं गोगे को जोतूंगा। आज कई लोग भी पूछने, जनाब साहब आजकल शिटाला पा रहे हो कि दाना खा रहे हैं? जनाब साहब ने कहना मेरी गड्डी टर्बो है, मैं टर्बो काट के आगे बने। अच्छा जी, खबर सुने, भारत को हिंदू रियासत करार दिया जाए, इंतहा पसंद रहनुमा की 2 अक्टूबर तक डेडलाइन। बहुत अच्छे, वैसे आहिस्ता आहिस्ता ना भारत का वो हाल कर देना है इस मोदी ने, ऐसा नलायक मिस्त्री लेके आए हैं ये ईमान से। जिस तरह मिस्त्री कई बार फ्रिज ते पखे दा बटन इको नहीं कर जाते, फ्रिज चलाओ तो ठंड लगन लग पैंदी है, पंखा बंद करो तो हरशा बोस जांदी। ऐसा बेवकूफ आदमी है कि हर पुट्ठा काम इसने शुरू किया और अपने ही मुल्क के अंदर इतना इंतशार फैला दिया है इस इंतहा पसंद इंसान ने कि ईमान से मैं तो बेशक हमारे साथ उनके जिस तरह के भी तल्लुकात हैं, रहते तो वहां इंसान ही, मैं ये सोचता हूं कि और कुछ अरसे के बाद वहां पे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा फसाद ना खड़ा हो जाए पूरे मुल्क में, क्योंकि ऐसे नलायक डॉक्टर के पास को अच्छा नुस्खा नहीं होता, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होते हैं।
हो जाए डॉक्टर के पास मियां भी दवाई लेने चले जाए, जाते आराम से वापसी पे लड़ते ही आते हैं। बीवी से लड़ रहा होता है वो डॉक्टर तुम्हारे साथ हंस हंस के क्यों बातें कर रहा था। बीवी बेचारी कह रही हाय मेरा तो सक्का भरा है तुम्हें की हो गया की कर दो जो सक्का भरा है तो फिर उन्हें तेरे को फीस क्यों ली। इसी तरह एक बीवी अपने शौहर को डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, तो डॉक्टर जो है वो बीवी को कहता है कि अपने शौहर को आपका हुस्ने अखलाक ही बचा सकता है, आप हुस्ने सलूक से पेश आए आपका शौहर बच जाएगा। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो शौहर कहता है क्या कहा मेरी जिंदगी के बारे में डॉक्टर ने, बीवी कहती है कुछ नहीं कहा जो आप दे दिया उसने। ये मोदी की तरफ से भी कौम को जवाब ही है। अच्छा जी, जापान के शहर टोक्यो के एक एयरपोर्ट के रनवे पर कछुए की चहलकदमी 5 परवाजों को रोक दिया। क्या जी, यानी कछुए की कब चहलकदमी होती है, उसकी तो सहलकदमी होती है। यानी उसे जा उड़ने थी उधर लैंड की गया है जी। ऊपर से देखो उन्होंने 5 परवाजें रोक दी हैं कछुए के लिए कि भाई जी तो ही गुजर जाओ। कैसी कौम है ईमान से, अरे एक हम है गलती से अगर कोई भैंसे आ जाए ना सड़क पे हमारी गड्डी के सामने जी जी। हम इतने को हारन बजाते हैं कि ग्वाला बेचारा घबरा के भैंसों को डंडे मार मार के उनके लक दूरे कर देते। ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात। के अगर आप मुझमें कोई ऐप देखते हैं तो मुझसे कहें औरों से नहीं, क्योंकि उस ऐप को मैंने दुरुस्त करना है औरों ने नहीं। अरे वाह, खुश रहे, खुश रहे।